नमस्कार दोस्तों, 49 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन और आलू की बहुत ही टेस्टी एक सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की ये सब्जी की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। यहाँ पे मैंने एक कप सोयाबीन को गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रखा था और 5 मिनट बाद हमने सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ लिया है। एक कप सोयाबीन है हमारा और 2 मीडियम साइज़ के आलू को ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ के टमाटर को ऐसे स्लाइस में काट लेंगे। सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे, डालेंगे इसमें करीब 1/2 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, आलू और सोयाबीन। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक। अच्छे से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 2 सीटी आने तक आलू और सोयाबीन को पकाएंगे। तो कुकर को बंद कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में 2 सीटी आने तक हम सोयाबीन को कुकर में पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद मैंने कुकर को साइड में रख दिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में ले लेंगे हम 4 चम्मच तेल और तेल को हम पहले अच्छे से गरम करेंगे। तो तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा गरम हो जाए डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जीरा जब हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे छोटे साइज के एक प्याज को एकदम छोटे छोटे टुकड़ा करके। प्याज को हम 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने 2 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐसे बड़े टुकड़ों में। ऐसे टुकड़ा कर लेने के बाद प्याज के जो कलिया है उसे मैंने अलग कर लिया है। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च ऐसे बड़े टुकड़ों में काट के। हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट हम सभी चीज़ों को अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आप सोयाबीन को एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे कुछ भी खा सकते हो। प्याज, ये बड़े वाले जो प्याज है और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, ये थोड़ा क्रंच रहेगा। बस हाई फ्लेम में हमें 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेना है। और दूसरी तरफ सोयाबीन और आलू भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, देखिए। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और आप देख सकते हैं शिमला मिर्च अभी भी हमारा क्रंच है, बस हल्का एक लेयर आए हैं। अदरक लहसुन डालने के बाद 1 मिनट हम अच्छे से पहले फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन जब हमारा अच्छे से भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे ड्राई मसाले, 1.5 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ड्राई मसाले डालने के बाद हम कुछ देर अच्छे से पहले भूनेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था तो नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे यहाँ पे। मसाले जब हमारा अच्छे से भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच दही।
दही डालने के बाद हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। आलू सोयाबीन हमारा पहले से कुकर में बॉयल है, तो बस 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम में सब्जी को पकाएंगे। मसाले अब हमारा अच्छे से भून गया है, आप देख सकते मसाले ड्राई हो गए और साइड से तेल अलग दिख रहे। अब हम यहाँ पे बॉयल किए हुए सोयाबीन और आलू डाल देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। और डालेंगे करीब 1/2 कप से कम पानी। बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे पानी। डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। एक बार मिक्स करेंगे और 1-2 आलू को हम मैश कर देंगे। इससे ग्रेवी जो हमारा है बहुत ही थिक बनेगा। देखिए हल्का हम इस तरीके से आलू को मैश कर लेंगे। 1-2 आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। डालेंगे कसूरी मेथी। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। 3 से 4 मिनट ढक के पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 4 मिनट बाद डालेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालना ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में खोल के सब्जी को 1 मिनट और ड्राई करना है हमें। एक मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सोयाबीन बनके हमारा तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। और सोयाबीन के जो थिकनेस है आप देख सकते हो कैसा है। अगर आपको इससे ज़्यादा ड्राई चाहिए तो आप 1-2 मिनट इसे हाई फ्लेम में और पका लीजिएगा। तो सोयाबीन हमारा रेडी है, हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये सोयाबीन की रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।